नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का चुनाव चल रहा है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर या 61 जिलों में यह चुनाव होना है। आपको बता दें कि कुल उम्मीदवार 692 इस बार चुनावी मैदान में है। वही अब आपको हम बता दें कि जो 9 बजे तक कुल वोटिंग प्रतिशत है, तो अगर वही बात किया जाए प्रयागराज का, तो प्रयागराज में 7.01% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर में 9% वोटिंग हुई है। गोंडा में 8% वोटिंग हुई है। बहराइच में 7.45% वोटिंग हुई है। वही प्रतापगढ़ में 8%, कौसाम्बी में 9.35% वोटिंग हुई है। रायबरेली में 7.48% वोटिंग हुई है। यह 9 बजे तक के नतीजे हैं, पांचवें चरण के चुनाव का 9 बजे तक का कुल वोटिंग प्रतिशत नतीजा है। को बता दें कि उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण का चुनाव चल रहा है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होना है। वही अगर बात की जाए दिग्गजों की, तो कई बड़े चेहरे भी इस बार पांचवें चरण में चुनावी मैदान में हैं। वहीं अवध के बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़ में होना है। वहीं पूर्वांचल की बात करें तो कौशाम्बी और प्रयागराज और बुंदेलखंड, चित्रकूट के भी कई विधानसभा सीटों पर यह चुनाव है। यह चुनाव कई मामलों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज और कई बड़े बहुचर्चित चेहरे भी इस बार चुनावी मैदान में है। पांचवें चरण का चुनाव 12 जिलों के 61 तो पर होना। वही कुल उम्मीदवार 692 चुनावी मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है अवध की अगर करें तो अवध में कई ऐसे मुद्दे सामने आए थे। अगर बात कुछ और अहम मुद्दों की किए जाए तो तमाम थे। अगर राम मंदिर की बात किया जाए, प्रशासन की बात किया जाए, महिला सुरक्षा की बात किया जाए, तो तमाम ऐसे मुद्दे इस बार। इसलिए अयोध्या का सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है। जहां एक तरफ अयोध्या राम मंदिर बना है, वहीं दूसरी तरफ एक जो सबसे बड़ी दिक्कत राम मंदिर निर्माण जब शुरू हुआ तो सामने आई थी, वो जमीनों को लेकर के थी। और हमने पहले भी आपको अपने संवाददाताओं से बात करी, उन्होंने बताया कि वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, लोगों का यह कहना है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है। और विपक्ष भी लगातार निशाने साधता रहा है इन सब मुद्दों को लेकर के। ऐसे में देखना यह है कि जनता किस पर अपना भरोसा जता पाती है और किसको वोट देगी। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आपके साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां का मतदान समीकरण क्या है, चुनावी समीकरण क्या है। इसी कड़ी मेरे संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम मिश्रा। प्रेम, क्या कुछ चुनावी हलचल है वहां की मतदान केंद्रों पर? बता दें कि अगर जनपद प्रतापगढ़ की बात की जाए तो जनपद प्रतापगढ़ में चुनावी माहौल पूरी तरीके से शांत है और शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर मतदान जो है वो पूरी प्रक्रिया जारी है। अभी तक लगभग 9 बजे की अपडेट है कि 7.77% यहाँ पर मतदान कंप्लीट हो चुका है। और जनपद प्रतापगढ़ में जो भी अलग अलग तरीके से बूथ बनाए गए हैं, बूथों पर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। जिस तरीके से कहीं पर भी शांति का माहौल न व्याप्त हो, पूरी तरीके से हम दिखा सकते हैं कि ये जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में आने वाला ये ग्राम सभा मोठिन लगता है। ये गांव में आप बूथ का नजारा देख सकते हैं हमारे पीछे जो यहाँ पर नजारा है, इससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरीके से जो माहौल है वो पूरी तरीके से शांतिमय माहौल है। किसी भी तरीके से कोई भी असुविधाएं नहीं है, ना ही किसी भी तरीके से कोई को लापरवाही है। जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें हम दिखाएंगे कि उन्हें अलग से उन्हें पंथ में नहीं लगाया जा रहा है, उन्हें पंथ से हट करके उनका उन्हें मतदान करवाया जा रहा है। यहाँ पर जो गांव स्तर पर एजेंट बनाए गए हैं वो पूरी तरीके से जांच परख कर रहे हैं, जिससे जो फर्जी भाड़ा वोट है वो भी फर्जी भाड़ा ना हो सके। किसी भी तरीके से ग्रामीण स्तर पर कोई भी असमंजस्य का माहौल ना पैदा हो, तो पूरी तरीके से रामपुर खास जो हॉट सीट मानी जाती है वहां का यह नजारा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से शांतिमय तरीके से यहां पर मतदान प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से जारी है। जी जी प्रेम, बात सच में तो यह है कि प्रतापगढ़ हॉट सीट है, क्योंकि कई दिग्गज वहां से चुनावी मैदान में है और कोई एक मुद्दा वहां पे नहीं है। कांग्रेस का भी बड़ी दिग्गज आराधना मिश्रा मोना वहीं से, मोती सिंह भाजपा से बड़ा चेहरा, सपा से भी देखा जाए गुलशन यादव बहुचर्चित चेहरा, वही रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, तो एक जमावड़ा बन गया है प्रतापगढ़ इस बार। उसमें अहम मुद्दा ये निकल के आता है कि जनता का क्या चुनावी मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्र पर जा रही, क्योंकि चेहरा कोई भी हो उनकी किस्मत का फैसला जनता ही करेगी, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद जनता करेगी। तो ये जानना अहम है कि जनता मतदान केंद्रों पर किन मुद्दों के साथ जा रही है, किन मुद्दों पर इस बार वो वोट डालेगी।
बिल्कुल, अगर बात करें जनपद प्रतापगढ़ की, तो मैंने लगातार अपने दर्शकों को इसके पहले विधानसभा बाबागंज, अब मौजूदा स्थिति पर हम खड़े हैं रामपुर खास जो हाथ सीट है, तो ऐसे तमाम तरीकों पर जा जाकर लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो मेन मुद्दा है यहाँ पर रामपुर खास में, अब की बार विकास की जो मुद्दा था वो विकास का ही मुद्दा बरकरार रहेगा। विकास के मुद्दे पर आम जनमानस जो है, यहाँ पर मतदाता जो है, वो मतदान करेंगे पूरी तरीके से। जो विकास का मुद्दा है वही अनवरत रूप से यहाँ पर जारी है और अनवरत रूप से करेंगे। बात ये आते हैं किसके सर सजे का ताज और अब किसकी जनता किसके ऊपर रुख मोड़ लेती है, ये कहीं ना कहीं जानना बेहद जरूरी होगा। तो ये रामपुर खास में अभी तक जो मतदान प्रक्रिया है वो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किसी ना किसी तरीके से ये शांतिमय तरीके से मतदान प्रक्रिया जारी है। देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो महिलाएं जा रही हैं, जी इनको सहारे की आवश्यकता बिल्कुल है, प्रेम, तो अगर इन्हें हो पाए तो महिलाओं बाकायदा से सहारे से ले बातचीत जाया करें जाए। और उनका मुद्दा जाने। बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे कि हमारे जी आसपास महिलाएं अगर थोड़ा अगर सा कुछ पीछे अंदर आपके हैं। देखा जाए प्रेम, तो जिस तरह से एक बार मैं जी, कैमरामैन से कहूंगी कैमरा घुमा के दिखाए, वो दादी माँ काफी ओल्ड एज है फिर भी वो जा रही हैं आपके पीछे, एक बार मैं कहूंगी कैमरामैन कैमरा घुमा के दिखाए, फिर भी कितना उत्साह देखने को मिले, इस उम्र में भी वो खुद लाठी लेकर बिल्कुल के जा रही हैं, तो जी ये दिख रहा है उत्साह जी रामपुर खास के मतदान केंद्रों पर प्रेम। बिल्कुल, अगर बात करें रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में, तो जिस तरीके से वो दादी माँ जो हैं, उनकी उम्र तकरीबन 70 से एबव होगी, जी जिस तरीके से वो इतनी उम्र में मतदान को लेकर जागरूक है और मतदान करने के लिए एक सहारे से अपने जो मतदान है, जो पांचवें चरण का मतदान प्रक्रिया यहाँ पर, हालांकि अंदर जा चुकी हैं और उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। मतदान के अंदर से जैसे वो बाहर आती है, हम उनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे और जानेंगे कि दादी माँ का क्या कुछ मुद्दा है और किन मुद्दों पर अब की बार वो मतदान करेंगे। तो रामपुर खास का ये नजारा आप देख सकते हैं, पूरी शांतिमय तरीके से यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से जारी है। अगर रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में जो मतदान की स्थिति है वो 5.67 हो चुकी है और बाबागंज की बात की जाए तो 8.2 हो चुकी है और कुंडा की बात की जाए तो 8.3 मतदान हो चुके और प्रतापगढ़ में 8.29 हो चुके हैं और पट्टी में 5.7% मतदान हो चुके हैं, 8.8 रानीगंज में हो चुके हैं और 7.25 विश्वनाथगंज में हो चुके हैं। तो ये जनपद प्रतापगढ़ में पूरी तरीके से अब तक इतने परसेंटेज में मतदान पड़ चुका है। कुल मिलाकर 7.779 बजे तक का अपडेट है मैम, कंट्रोल रूम से यह सूचना मिली है कि 8.77% यहाँ पर मतदान पड़ चुका है। जी प्रेम, आप रामपुर खास के मतदान केंद्रों में से एक मतदान केंद्र पे खड़े हैं, तो हम पहले रामपुर खास की बात कर लेंगे। आराधना मिश्रा मोना बड़ा चेहरा है और जब से कांग्रेस अपने विधान लॉन्च कर रही है, अपने मैनिफेस्टो जो भी लॉन्च कर रही है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मौजूद है। ऐसे में एक हमने दादी को भी देखा, इस उम्र में भी वो लाठी लेके किसी के सहारे से मतदान केंद्र पे जा रही थी, लेकिन महिलाएं सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 2022 चुनाव को त्रिकोणी पूरी तरह से बना और महिलाओं को ला करके खड़ा किया, तो महिलाओं का मत जानना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि कितना झुकाव आराधना मिश्रा मोना की तरफ महिलाओं का दिख रहा है, क्योंकि एक मैनिफेस्टो ही कांग्रेस का है प्रेम महिलाओं को लेकर के चलने का, तो कितना झुकाव महिलाओं का है आराधना मिश्रा मोना की ओर। हम प्रयास करते हैं मैम महिलाओं के पास जाने के लिए, हमारे सामने वहां पर कुछ महिलाएं आ रही हैं जो गेट की तरफ आ रही हैं लाइन में, हम किसी भी तरीके से उन्हें डिस्टर्बेंस ना हो सके, उन्हें अशांति का माहौल ना हो सके, हम प्रयास करेंगे जो गेट से महिलाएं प्रवेश कर रही हैं या फिर गेट के पास जो महिलाएं बैठी हैं उनके पास जाने का, उनसे बातचीत करने का। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये कितना कारगर साबित होगा रामपुर खास क्षेत्र में, क्या रामपुर खास की जनता क्या इस पर मतदान करेगी? जिस तरीके से 40% मतदान देने की बात कही गई थी, क्या ये वो पूरी तरीके से बात सही है, कारगर है या नहीं है? हम इस पर बातचीत करेंगे, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आ रही हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी राय क्या है, वो किन मुद्दों पर अब की बार मतदान करेंगी। तो अब की बार यहाँ कुछ शासक भी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे क्या क्या मुद्दे पर यहाँ पर मतदान होंगे, किन मुद्दों पर कर रहे हैं आप लोग तो मतदान? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके 40% महिलाओं को टिकट दिया है, तो उसका कितना असर देखने को मिल रहा है यहाँ पे? 40% का असर मिल रहा है देखने में। क्या लगता है ये नारा कारगर साबित होगा रामपुर खास में या फिर कुछ और मुद्दे पर कारगर? आप महिला हैं तो महिला होने के नाते क्या लगता है कि साबित होगा? साबित होगा, तो साफ तौर पर देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो, कि वो क्या उम्मीद करती है जिसको भी वो चुनेंगी, जो भी विकास लिए उनसे वो क्या उम्मीद करती है कि आगे 5 साल उनके लिए क्या काम करे, महिलाएं क्या चाहती है सरकार से कि महिलाओं को क्या कुछ सुविधा मिले? आप एक बार महिलाओं से ये भी जानने की कोशिश करें कि अगर सरकार बनती है तो आप क्या चाहेंगी, आपकी कौन सी मांग पूरी की जाए?
मैम जिस जिस दादी माँ की आप बात कर रहे थे वो दादी माँ हमारे पास आ चुकी जी हैं, उनसे बिल्कुल ही बात प्रेम, कर पहले लेते आप हैं। इनसे बात दादी आपकी करें। किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगी? विकास विकास के विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगी? तो इतनी उम्र में जो क्या सरकार से क्या आप उम्मीद करती हैं, क्या कुछ करे आपके लिए? का कि है यहाँ सरकार, हम करना पेंशन पाई बेटवा ना, गल्ला पाती पाई और पापा आदमी रहा खत्म है, क्या लिखी क्या लिखी। ये थी हमारे साथ दादी माँ जिनकी मैं हाल में ही जिक्र किया जा रहा था। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इनके लिए कुछ नहीं किया, हालांकि ये अपने विकास के मुद्दे पर मतदान किए हैं और इनका जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। तो यही ऐसे कई सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि ग्रामीण स्तर पर महिलाएं बोलने के लिए कम तैयार होती हैं, लेकिन हम प्रयास लगातार जारी रखते हैं कुछ महिलाओं से बातचीत हो पाए। सरकार बनती है तो सरकार से उनकी उम्मीदें क्या, क्योंकि दादी माँ ने जिस तरह से कहा उनको पेंशन तक नहीं मिला, उनको राशन तक नहीं मिला, उसके बाद आप और महिलाओं से ये जानने की कोशिश, सरकार बने तो सरकार से क्या उम्मीद रखती है कि सरकार उनके लिए क्या करे आगे। अच्छा जी बिल्कुल दादी, अगर सरकार बनती है तो आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, क्या कुछ अच्छा मिले तो आप संतुष्ट हैं सरकार से? भैया का हम बताई जी, राशन मिल रहा है आपको? हाँ, राशन मिल रहा है नहीं, हमारे कार्ड है नहीं ना। पेंशन पेंशन मिल रही है? हाँ पेंशन मिलती है भैया। अच्छा, तो सरकार के जो किस मुद्दे पर अभी आप मतदान करके आई हैं, क्या मुद्दा है, विकास का मुद्दा है या फिर जो कहा गया है? हमारा बताओ भैया जी, तो ये अपनी बात गोपनीय रखना चाहते हैं। दादी बताना नहीं चाहती है, दादी एकदम साइलेंट वोटर के रूप में बाहर आना चाहती है प्रेम, क्योंकि उन्हें योजनाओं का ये लाभ तो वोटर पूरा मिल रहा है। बिल्कुल, महिलाओं की बात करें तो जो यहाँ पर जो मुहिम है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कहीं ना कहीं महिलाएं शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान करें। रामपुर खास कई वर्षों से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, हालांकि अब की बार ये किस तरह और रुख मुड़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हाल में ही जो महिलाओं से बातचीत करने के बाद पता चला तो इनका जो पुराना माहौल है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, साथ ही साथ विकास का अनवरत रूप से रामपुर खास में विकास हुआ है, तो उन मुद्दों पर आप मतदान करने के लिए आई है। प्रेम एक बार हम जमीनी स्तर पर रामपुर खास का ये भी और कौन कौन से मुद्दे, क्या रोड को लेकर कोई मुद्दा सामने आया, जैसे एक दादी ने कहा उनको पेंशन नहीं मिला, एक लोगों ने कहा उनको मिल रहा है, ठीक है ये तो ये है कि कुछ लोगों को योजनाओं का फायदा मिल रहा है, कुछ लोगों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसके अलावा और क्या मुद्दे रहे, क्या रोड को या विकास को लेकर के कोई और मुद्दा रामपुर खास में रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें रामपुर खास में रोड को लेकर तो हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे बात कर लेते हैं, युवा चेहरा है, युवा है तो ये कुछ ना कुछ अलग बताएंगे। क्या रामपुर खास में अब की बार रोड को लेकर कोई मुद्दा रहेगा? हाँ रोड को लेकर मुद्दा रहेगा, काफी मुद्दा रहेगा। तो अब की बार आप युवा चेहरा है, किन मुद्दों पर आप मतदान करना चाहेंगे? मैं मतदान करना चाहता हूँ मतलब रामपुर खास में जो विधानसभा है विकास के रूप में, यहाँ जो विकास हुआ है उसके रूप में मतदान करना चाहिए, मुद्दे पर मतदान। हाँ विकास तो ये युवा चेहरा है मैम, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये विकास के मुद्दे से प्रेम सरकार से क्या कुछ उम्मीद करना चाहते हैं? सरकार से कुछ नहीं उम्मीद करना चाहते हैं, नौकरी चाकरी दिए नहीं, बस यही दाल चना नॉन बांटे हैं 5 साल में जी। बस और कुछ उम्मीद नहीं करना चाहते इनसे। वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप कितना परसेंट संतुष्ट? बहुत संतुष्ट हैं, यहाँ जो वर्तमान में विधायक था जो बहुत संतुष्ट हैं, उनका कामकाज बहुत अच्छा है, विकास करती हैं। रामपुर खास में विकास हुआ है या नहीं? जी हुआ है, विकास हुआ है जी। किन मुद्दों पर अब की बार जनता मतदान करेगी? सर ये विधायक जी की वजह से, विधायक जी के जो विकास किए हैं इस उद्देश्य से विकास होगा जी। तो ये यहाँ के आम जनमानस थे, यहाँ के युवा चेहरा थे, कुछ हम इनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो इनका साफ तौर पर कहना है कि ये विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे और अब की बार इनका विकास ही एजेंडा और विकास ही मुद्दा रहेगा जी। जी प्रेम, लेकिन अगर बात की जाए वहाँ की विधायिका की तो काफी खुश नजर आ रहे युवा, उनसे सबका यही कहना है कि विकास के मुद्दे पे हमने वोट दिया है, और महिलाएं भी जिस तरह से हमेशा साइलेंट वोटर के रूप में आई है रामपुर खास का अगर हम बात करें तो वहां पे लोग विधायिका से काफी खुश नजर आ रहे, क्या कुछ विकास किया है कांग्रेस पार्टी ने रामपुर खास पे, क्योंकि सरकार बिल्कुल बता दी कि रामपुर जी बिल्कुल मैम, अगर बात करें रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में तो पूरी तरीके से सड़कों की स्थिति यदि पूरे जनपद में कहीं बेहतर देखने को मिलती है तो रामपुर खास वाकई में विकास पुरुष, जो रामपुर खास के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी हैं वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो रामपुर खास में विकास हुआ है ये कहीं ना कहीं यहाँ का आम जनमानस भी बताता है और जमीनी स्तर पर देखने को भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं रामपुर खास में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो बनी हुई है, लेकिन अब लोगों के अंदर क्या भावना है, क्या इससे कुछ हटकर चाहते हैं या फिर कुछ इससे बदलाव चाहते हैं या फिर यहाँ कुछ और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये जो लोग हैं वो काफी हद तक संतुष्ट वर्तमान विधायक से नजर आ रहे हैं जी।
जी प्रेम, अब बात हम पट्टी विधानसभा की करेंगे क्योंकि मोती सिंह खुद वहां से चुनावी मैदान में है और वो मंत्री भी है, तो क्या कुछ वहां पे प्रभाव पड़ रहा है? वहां की जनता किन मुद्दों पर, पट्टी विधानसभा की जनता किन मुद्दों पर जा रही है मतदान केंद्र पर? बिल्कुल, अगर बात करें पट्टी विधानसभा क्षेत्र की, मैं तो पट्टी विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से विकास ही नहा रहा है और विकास के मुद्दे पर वहां के लोग मतदान कर रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर भी मतदान हो रहा है और किसी भी तरीके से अभी भी ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई जैसे ईवीएम खराब। और हालांकि कुंडा में ईवीएम खराब की सूचना आई थी लेकिन तत्कालीन चुनाव आयोग वहां पर मौजूद होकर कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी वो तत्काल दूर कर दिया गया। महज 5 या 7 मिनट के अंदर वो टेक्निकल समस्या दूर होकर पुनः मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से शुरू हो गई है। अगर पट्टी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो विकास भी वहां का नारा है और अब की बात बेहद कांटे की टक्कर राम सिंह सपा प्रत्याशी वहां पर देने वाले हैं। वहां के आम जनमानस का ये कहना है कि अब की बार पुनः विकास करेंगे, कुछ का कहना है बदलाव और कुछ का कहना है कि वही सरकार। तो अब देखना होगा 10 मार्च को क्या कुछ जनता तय करती है। जी जी, प्रशासन की तरफ से क्या मुस्तैदी? आपने बताया कि ईवीएम खराब होने की भी कोई खबर आई थी, फिर थोड़ी देर में उसको सही करके दोबारा मतदान स्टार्ट करा दिया गया, क्या उसको लेकर कुछ आक्रोश भी लोगों में देखने को मिला है? फिर प्रशासन जल्द से जल्द उसको ठीक करके। जी प्रेम जी, कुंडा विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से बेती जिसमें रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया को मतदान देना था उसमें ईवीएम मशीन खराब की सूचना आई थी लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से हाईलाइट थी, मुस्तैद थी। कई देखा जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो नंबर अलर्ट किए गए उस पर सूचना दी गई और बहुत ही जल्द वो समस्या दूर हो गई। जैसा कि बता दें ये जो भ्रांति है फैलने नहीं पाई, वहीं तक डूब गई और लोगों को कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं हो पाई और ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो जारी हो सकी। जी जी प्रेम, मीन्स प्रतापगढ़ में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव चल रहा है, पहले जिस तरह की ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी, कुछ अफरा तफरी भी मची थी, वो सब साइड, और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव कराने में। प्रेम बिल्कुल, आप बिल्कुल नजर बनाए रखें वहां के मतदान केंद्रों में, हम जल्द ही वापस आपसे जुड़ेंगे, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता प्रेम मिश्रा प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े थे। आपका एक बार फिर से कुल वोटिंग प्रतिशत बता दें, सुबह 9 बजे तक का अयोध्या में 9.43% मतदान हो चुका है, बहराइच में 7.45% मतदान हो चुका है, सुल्तान में कुल 9% मतदान हो चुका है, चित्रकूट में कुल 9.3% मतदान हो चुका है, प्रतापगढ़ में 7.01% मतदान हो चुका है, कौशाम्बी में 9.35% मतदान हो चुका है, गोंडा में 8% मतदान हो चुका है। हम ये सुबह 9 बजे तक के आपको आंकड़े बता रहे, कुल 8.02% मतदान हो चुका है, पांचवें चरण का मतदान चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अमेठी, प्रतापगढ़, बहराइच, श्रावस्ती सभी जगह मतदान केंद्रों पे लोग पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बार पांचवें चरण में चुनावी मुद्दे भी बेहद अहम है, विकास के मुद्दे हैं, राम मंदिर के मुद्दे हैं, अपराध के मुद्दे हैं, वहीं कई ऐसे विधानसभा सीट है जो हॉट सीट बनी हुई, कई दिग्गज खुद चुनावी मैदान में है, वहीं अयोध्या एक बेहद ही हॉट सीट है क्योंकि पहले वहां से ये भी अटकलें लगाई जा सकती थी कि मुख्यमंत्री खुद वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे सामने आए थे और ये सारी हॉट सीटें हैं। बहराइच की बात करें तो अनुपमा जायसवाल खुद वहां से हैं, उन अधिवक्ता उनसे खासा नाराज थे लेकिन फिर उन्होंने अधिवक्ताओं को मना लिया था और अधिवक्ताओं ने उनसे मांग भी की थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो विकास कार्य करे। वही अमेठी भी एक हॉट सीट ही है क्योंकि खुद स्मृति ईरानी वहां से मंत्री है, श्रावस्ती है, रायबरेली है, रायबरेली गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, प्रतापगढ़ तो हालांकि वैसे ही हॉट सीट बना हुआ है जब से गुलशन यादव ने ट्वीट किया था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी और मेरी पत्नी की जान को खतरा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस और डीजीपी को टैग करते उन्होंने ये ट्वीट किया था, जिसके बाद काफी अफरा तफरी भी मची थी लेकिन बाद में प्रशासन के द्वारा इसको मैनेज कर लिया गया था। साथ ही साथ जब वहां पर नामांकन हो रहा था तो नामांकन के दौरान भी ऐसी कई दिक्कतें सामने आई थी। वहीं अगर बात किया जाए तो पांचवें चरण का चुनाव 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर होने हैं, कुल उम्मीदवार 692 चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात 2017 के नतीजे की जाए इन 12 जिलों की, तो 2017 में भाजपा के खाते में 51 सीटें गई थी, वहीं अपना दल एस की खाते में 2 सीटें गई थी, सपा के खाते में 5 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 1, और बसपा की बात करें तो बसपा 2017 की चुनाव में इन सीटों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाया था। वही निर्दलीय हैं उनके पास 2 सीटें गई थी। बता दें कि अवध के बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़ में चुनाव हो रहा है, पूर्वांचल के कौशाम्बी और प्रयागराज में चुनाव हो रहा है, वही बुंदेलखंड और चित्रकूट में भी आज चुनाव है, बुंदेलखंड भी कई मुद्दों में अहम है, चित्रकूट भी है
और मेन अगर बात किया जो अयोध्या की, तो अयोध्या हॉट सीट है, अमेठी, अमेठी भी एक हॉट सीट ही है, प्रतापगढ़। वहीं आप हमारे संवाददाता लगातार मतदान केंद्रों पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ वीरेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ अभी वहां के मतदान केंद्रों का हालात है, लोग किन मुद्दों पर आ रहे हैं मतदान केंद्रों पे? जी, मैं आपको बता दूं कि जो हर्षोल्लास के साथ मतदान करने के लिए देखा जा रहा है कि उनका पहला मुद्दा होता है विकास, विकास जैसे रोड हो गया है और उनकी अन्य चीजों जो व्यवस्थाएं हैं उन पे मतदान कर रहे हैं लोग। जी जी वहां से कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। वीरेंद्र, अगर बात किया जाए तो स्मृति ईरानी का थोड़े दिनों बाद गढ़ माना जाता है, क्योंकि हालांकि वो मंत्री है वहां से, तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है और जनता उनसे कितनी प्रभावित होकर इस बार मतदान केंद्रों पर जा रही है? जी जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि भाजपा से यहाँ रहे सुरेश पासी विधायक रहे और वहीं के मंत्री भी रहे और वहीं स्मृति ईरानी भी मंत्री रही और राज्य सरकार में योगी आदित्यनाथ भी मंत्री रहे और कहीं ना कहीं इस बार भाजपा को सबसे बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जो है एक महत्वपूर्ण चीज है वो है रोड, रोड रोड को लेकर यहाँ ग्रामीणों में या आम जनता में काफी आक्रोश था, तो कहीं ना कहीं इस बार विरोध का सामना भाजपा को करना पड़ सकता है। जी जी, मतदान केंद्रों पे कोई तकनीकी खराबी की खबर तो अभी नहीं आ रही है अमेठी से वीरेंद्र? जी अभी तो, अभी तक तो किसी भी मतदान केंद्र से 548 मतदान बनाए गए हैं जिससे अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि जिससे कोई पता चल पाए कि कहीं मतदान केंद्र में गड़बड़ी थी। वीरेंद्र, अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो अमेठी के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था क्या है? महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं और दिव्यांग जनों के लिए क्या कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं अमेठी के मतदान केंद्रों पर? जी, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को अगर बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, उस सुरक्षा व्यवस्था को अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि सुरक्षा व्यवस्था किस चाक चौबंद है। और यहाँ पे स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहाँ पे तैनात हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेके एकदम चाक चौबंद है। अब वहीं अगर बात की जाए कि वृद्ध महिलाओं की, तो वृद्ध महिलाएं जो है उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है और उसके साथ सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग की भी टीम यहाँ पे मौजूद है। जी जी वीरेंद्र, फिर से एक बार यही बात करना चाहेंगे आपसे कि प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है अमेठी में, क्योंकि आपने कहा कि कई ऐसे मुद्दे अहम निकल के, रोड का मुद्दा बेहद ही अहम निकल के आया था अमेठी से, तो प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है कि कई बार ऐसा अमेठी से पहले मसला सामने आया कि लोगों ने ये कहा है कि अगर हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम वोट बहिष्कार करेंगे, तो प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है उन लोगों को समझाने में? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले हाल में ही एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें बोर्ड पर लिखा था कि रोड नहीं तो वोट नहीं और एसी में बैठने वाले नेता गांव में आने से वर्जित हैं, तो कहीं ना कहीं गांव वालों का एक रोड को लेके बहुत बड़ा आक्रोश था, उन्होंने वोट का बहिष्कार करने की बात की थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उसको मनाने में लगा था, लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन मनाने में कामयाब रहा। जी लेकिन वीरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ के आता है कि स्मृति ईरानी खुद केंद्रीय मंत्री है, वहीं से अमेठी से, वो अमेठी को लगातार लेकर के लगातार हुंकार भरती रहती है, ऐसे में ये मुद्दा सामने आना और जब इतने बड़े बड़े दिग्गज खुद अमेठी से सामने हैं तो प्रशासन को, वहां की जनता को मनाना पड़ रहा है, इतने में कितनी जिम्मेदारी बनती है प्रत्याशियों की कि वो जनता तक खुद गए होते और खुद मनाए होते, तो शायद इसका असर आज कुछ और देखने को मिलता, जनता उन पे ज्यादा भरोसा दिखा पाती। जी, मैं आपको बता दूं कि वहीं भाजपा के रहे विधायक सुरेश पासी और ग्रामीणों के अंदर खास करके आक्रोश ये था कि विधायक हो या मंत्री हो अगर जीत जाते हैं तो 5 साल तक वो एकदम अंतराल रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं और जब वोट मांगने की बारी आती है तो 10 दिन पहले से वो वोट मांगना स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि विधायक हो या मंत्री हो कोई 5 साल तक उनको दुख सुख में कोई पूछने वाला नहीं होता है। जी, तो इससे जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल सकता है अमेठी की और शायद यह आक्रोश वो आज मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल करके निकालेंगे कि जिस तरह से कोई 5 साल जीतने के बाद, जैसा आपने बताया कि वहां की जनता का ऐसा कहना है जीतने के बाद नहीं आते, 10 दिन पहले वोट, तो क्या जनता आज इसको दिमाग में रख के मतदान केंद्रों पर जा रही है?
जी कहीं ना कहीं आज जो जनता मत का अपने प्रयोग कर रही है, अपने मत का कर रही है, मतदान डाल रही, वो कहीं ना कहीं इस बार वो विकास के मुद्दे पे कहीं ना कहीं वो विशेष ध्यान दे रही है। और हमारे साथ कुछ यहाँ स्थानीय लोग भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या है मुद्दे और किन मुद्दों के साथ वो इस बार चुनाव का वोट डाल रहे हैं। वीरेंद्र, आप बात करें क्योंकि लोगों का मत सबसे अहम है। जी जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। इस बार आप मत का अपना प्रयोग कर रहे हैं, क्या आपका क्या मत है कि किन मुद्दों के साथ आप चुनाव वोट डाल रहे हैं? हम लोग विकास के नाम पे, भाईचारा के नाम पे, राष्ट्रीय एकता के नाम पे, हिंदुस्तान की मजबूती के नाम पे, और इस ये देश जो है हिंदुस्तान का गुलदस्ता, ये कहीं से भी इसका एक फूल भी किनारे न हो पावे ताकि ये गुलदस्ता बरकरार रहे, इस पे कर रहे हैं। तो वहीं आप देखा गया है कि अभी दो दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये जो नारा है वो नारा कितना महत्वपूर्ण, अमेठी की जनता उसको कितना लुभावने वादे की को लेकर वो मान रही है कि ये लुभावने वादे हैं, स्कूटी हो गई 20,000 रुपए, तो बहुत सारे लुभावने ऐसे वादे किए हैं जो कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या जीतने के बाद उस पर खरी उतर पाएगी? ना कि कांग्रेस बल्कि सारी पार्टियों ने इस तरह के वादे किए हैं, और मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है, हमारी बहनों का फायदा हो, भाइयों का फायदा हो, देश का मजबूत हो, नौजवान आगे बढ़े, अगर उसको दे रहे हैं तो जिसने भी जो वादे किए हैं अगर उसकी सरकार बनती है तो उसको देना चाहिए, सिर्फ जबान से नहीं कहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दिया जाएगा। और जहां तक इसका सवाल है कि आज आप यहां पे कवरेज के लिए आए हैं, सबसे बड़ी अव्यवस्था जो है वोटर लिस्ट के बारे में, हमारे लोग बूढ़े जवान, इसके अलावा मतलब बहुएं बेटियां सब परेशान हैं, ज्यादा तादाद में लोगों के वोट काट दिए गए हैं, इन परिस्थितियों में कटे, ये होना जिम्मेदारी सब एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप बताइए, मैं सवेरे से परेशान हूँ इसी में, एक एक आदमी वो मौजूद है यहाँ, जिंदा है, उसको बिल ओपन में दिखा दिया गया है, मतलब उसके घर के एक बीबी का वोट है तो शौहर का नहीं है, बाप का है तो बेटे का नहीं, वो मौजूद है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान से हम लोगों ने बात किया जा करके, ऑब्जर्वर से बात किया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, सब कहीं से ही जवाब मिलता है भाई अगर बिल ओपन में है तो नहीं पढ़ पाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी जानकारी में यह है कि चुनाव आयोग ने व्यवस्था दी थी कि अगर कोई आदमी वोटर यहाँ पे मौजूद है और वो इस लायक है कि उसके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, और उसकी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको कुछ फॉर्म वगैरह भरवा करके वोट डलवाना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं इस बात से दुखी हूँ। दूसरी चीज, यहाँ प्रकाश व्यवस्था कोई नहीं है, सारे कमरों में अंधेरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो लोग ड्यूटी पे हैं अब खाली सुरक्षा व्यवस्था वाले अपने हम मुस्तैद, इधर न जाना उधर न जाना वो बनाए हैं शांति, लेकिन जहाँ तक अंदर का सवाल है या उस लोग, ये लोग जैसे कि वोटर्स को बिल्कुल अपना नौकर समझ रहे हैं, गलत बात है। ये वोटर जो है अपने वोट का प्रयोग करने आए हैं, वोटर आए हैं अपने मताधिकार पर, इस देश का प्रदेश का निर्माण ही इसी के ऊपर होता है, तो वोटर को आप सहूलियत दीजिए, अगर उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके पास सारे अधिकार पत्र हैं, तो कहीं ना कहीं से उसको राहत दीजिए। आप अगर किसी का मोमिना लिखा है या किसी का राम प्यारी लिखा है, अगर उसमें राम प्यारी आधा पास से राम प्यारी लिखा है और उसके पास छोटी का मात्रा लगा है प्यारी, तो आप उसे वापस किए दे रहे हैं, गलत बात है। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है विकास का, और कहीं ना कहीं इस बार बोर्ड लगाए गए गांव में कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसे बहुत सारे बोर्ड लगाए गए जिसको प्रशासन द्वारा अभी अंतिम समय में उसको उखड़वा दिया गया, तो अभी भी कहीं ना कहीं गांव में आक्रोश है और भाजपा सरकार से नाराज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम चाहे जो सरकार हो और चाहे जो जनप्रतिनिधि हो, चाहे जो जनप्रतिनिधि हो, अगर वो जीतने के बाद में, चाहे हम किसी भी दल का हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो उसने वादा किया है तो इसीलिए होता है। वो जैसे ग्राम प्रधान को ले लीजिए, अगर ग्राम प्रधान अपने लोगों की सेवा नहीं कर सकता है तो क्यों लड़ता है ग्राम प्रधान? उसी सूरत से एमएलए और एमपी की ही बात है कि अगर उसने वादा किया है, उसके यहाँ की सड़कें बननी चाहिए, उसके यहाँ के पुल बनने चाहिए, उसके यहाँ बेरोजगारी दूर होना चाहिए, उसके यहाँ के राशन कार्ड बनने चाहिए, तो इन सारी चीजों की व्यवस्था करना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में अपने इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। हम यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, यहाँ पे दिल की दलों की बात नहीं है, दिलों की बात है, यहाँ दलों के नहीं दिल के, यहाँ तो भाजपा भी है, सपा भी है, समाज बहुजन भी है, कांग्रेस भी है, सब लोग हैं, सब कुछ मिला करके हम लोग जनता जनार्दन है,
तो हम जनता जनार्दन है तो हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारे इन वोटरों को सहूलत मिले। अभी देखिए हमने जिलाधिकारी तक के यहाँ जाकर अपनी गुहार लगाया, SDM से लगाया, आप ड्राइवर से कहा कमरों में चले जाइए, आप अंधेरा पड़ा हुआ है, कमरों में अंधेरा पड़ा हुआ है, क्या करेगा प्रेजाइडिंग ऑफिसर, क्या करेंगे वो? ठीक है, तो हमारे साथ अभी सज्जन, क्या नाम है आपका? सुरेश। ये आप मत करने के लिए आए हैं क्या? जी जी जी। तो क्या क्या आपका मत करने आए हैं, किन मुद्दों के साथ आए? विकास के मुद्दों वोट करने आए हैं, विकास के मुद्दे वोट करने आए हैं, और हमारी सरकार ने विकास बहुत किए हैं, जहाँ एक दो त्रुटि रह गई है उसको भी पूरा करने काम के, इसलिए हमारा विकास के मुद्दे वोट दिया हमने इस बार। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा अभी कहा जा रहा है कि बाहर से बात किया जाए, तो हेलो जी, अगर बात किया जाए वहाँ की जनता का, तो वहाँ की जनता के कई अहम मुद्दे सामने आए, सबसे जो अहम मुद्दा सामने निकल के आ रहा है। जी जी, प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से गैप बना के बात कीजिए, तो थोड़ा सा हम बाहर लोगों से बात करना चाहेंगे, तो ठीक है मैम। जी भैया, क्या नाम है आपका? अजय। बात करते करते आप मत का प्रयोग करने आए हैं? जी जी बिल्कुल, आप मत का प्रयोग करने आए हैं, किन मुद्दों के साथ आप मत का प्रयोग करने आए हैं? यही कि आने वाला हमारा भविष्य अच्छा हो, और हमारे जो नौजवान भाई हैं उनका भी भविष्य अच्छा होना चाहिए, यही सोच के हम यहाँ पे आए हैं। जी जी, तो आपका अहम मुद्दा क्या रहा, आप किस किन मुद्दों के साथ आप वोटिंग के लिए आए हैं, और मतलब आपका जो विकास का मुद्दा है या रोजगार का मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ आप वोटिंग आप करके आए? जी हमारा यही सोच है कि हमारा आने वाला जो कल वो बेहतर हो, और यही कल का बेहतर बनाने के लिए हम इस मुद्दों पे बात करने हैं, ताकि ये अच्छा ही हो आने वाले वक्त में। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किन मुद्दों के साथ वो इस बार अपनी वोटिंग के लिए आए हैं। और भैया क्या नाम है आपका? आप वोटिंग के लिए आए हैं, किन मुद्दों के साथ आप वोटिंग करेंगे, और अहम मुद्दा आपका क्या होगा? अरे जो मुद्दा होगा बस इलेक्शन में वोट डालना है, बस यही लिए हम आए, अभी हम लखनऊ से आए हुए हैं। दादी क्या नाम है आपका? आप आज अभी वोट डालने जा रहे हैं, आपका अहम मुद्दा क्या होगा? आपको रोजगार या आप सड़कें, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? विकास क्या क्या चाहिए आपको? हमको जहाज होंगे भाई, आप कौन विकास बताई न पढ़े न लिखे। तो आप ऐसे वोट करके आ जाएंगे? हाँ। चलिए तो हम बाहर चलते हैं, और भी लोगों से हम बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? देवी प्रसाद अग्रवाल। आप किन मुद्दों के साथ आज वोट करने जा रहे हैं? आपका अहम मुद्दा क्या होगा कि आप? अहम मुद्दा विकास है, और विकास विकास में जैसे क्या क्या आपको इस सरकार से आप कितना खुश हैं? अब विकास तो जैसे 4 लेन का विकास हुआ, 6 लेन का विकास हुआ है, गांव-गांव में लैट्रिन शौचालय का विकास हुआ, और लोगों के जीवन स्तर जो थोड़ा सुधरा, तो ये लग रहा है कि मतलब कि सरकार बढ़िया कर रही है। क्या नाम है? मोहम्मद वारिस। आप इस बार वोटिंग वोट करने के लिए आएंगे, आप अपना मतदान करेंगे, और किन मुद्दों के साथ आप मतदान करेंगे? हम विकास के मुद्दे पर जो है मतदान करेंगे। जैसे विकास में क्या आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या आप देखना चाहेंगे कि विकास में सबसे आगे क्या हो? अब विकास के मुद्दे पर जैसे कि अभी इन्होंने जो है, जब से योगी बाबा आए हैं तब से इन्होंने केवल कार्य जो है बदलने का काम किया है, बाकी जैसे कि जहाँ जहाँ इन्होंने नाम डाला 100 नंबर 112 किया है और नामों को चेंज किया है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। विकास के मुद्दे पर देखा जाए तो ये इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम में किया है, बाकी भाईचारा को जो है इन्होंने भड़काया है, केवल इन्होंने जो है भाई भाई से मतलब इन्होंने मंत्रा का काम किया है योगी बाबा ने, भाजपा पूरी सरकार। आपका अहम मुद्दा यही था कि विकास विकास इनके राज में बिल्कुल नहीं हुआ है, जैसे इन्होंने कहा अभी 6 लाइन जो है अभी भैया ने बताया, 6 लाइन ये अखिलेश की देन है, 4 लाइन जो है अखिलेश की देन है, इन्होंने केवल सीता ही काटे हैं 5 साल, अखिलेश के ही देन पे सीता इन्होंने काटा है। तो
तो आपका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा सरकार में विकास कुछ नहीं हुआ? नहीं। भैया क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। ठीक है वीरेंद्र, आपका मतदान करने की आप अंदर गए हैं, मतदान करके आप आए हैं, तो आपका अहम मुद्दा क्या रहा, क्या विकास रहा, रोजगार रहा, क्या रहा आपका? रोजगार भी नहीं है, जो रोजगार था वो भी छीन लिया गया। रोड भी देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए रोड। क्या क्या भाजपा सरकार से आप खुश हैं? भैया क्या खुशहाल होंगे जब रोड ही जो मुद्दा। को बता दे कि अमेठी से हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरह से वहां के लोगों का मुद्दा और अमेठी से सबसे जो एक अहम मुद्दा निकल के सामने आया, वहां के ही एक लोगों ने बताया कि लगातार लोग विकास के मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड दिखाकर कुछ फॉर्म भरकर आप वोट दे सकते हैं, लेकिन अमेठी की जनता की शिकायत है कि वहां पर मतदान केंद्रों पर प्रशासन ऐसा नहीं करने दे रहा है। तो बिल्कुल ये एक अहम मुद्दा अमेठी से सामने निकल के आया है, और बाकी उसके बाद अगर वो शांतिपूर्वक ढंग से वहां पर वोटिंग जारी है और लोगों में सड़क का मुद्दा, सड़क ना बनने का मुद्दा लेकर पहले भी सामने आया था और लोग उससे खासा नाराज भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वहां पर कई योजनाओं का भी उन्होंने फायदा उठाया है। वहीं हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, वहां के युवाओं से बात की, वहां के वृद्ध लोगों से बात की, कई ऐसे अहम मुद्दे सामने आए हैं अमेठी से, जहां पर और अमेठी एक तरह से हॉट सीट भी है क्योंकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहीं ना कहीं वो गढ़ उसको मानती है, कई बड़ी बातें वो लेकर के कहती रहती हैं। को बता दें कि यूपी में पांचवें चरण का चुनाव चल रहा है, यूपी में 9 बजे तक का कुल वोटिंग प्रतिशत आपको बता दें 8.02% मतदान उत्तर प्रदेश के पांचवें चरण में हो चुका है। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में 7.01% वोट पड़ चुका है, गोंडा में 8% वोट पड़ चुका है, बहराइच में 7.45% वोट पड़ चुका है, अमेठी में 8.67% वोट पड़ चुका है। हमारे संवाददाता अमेठी से जुड़े तो उन्होंने कई ऐसे मुद्दे बनाए जिसमें अहम मुद्दा हम आपको फिर से बताना चाहिए, सामने आया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया था कि अगर आपके वोटर लिस्ट में कोई दिक्कत आती है, आपका नाम नहीं आ पाता है, तो आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, कुछ फॉर्म आपको भरने होंगे और आपको वोट डालने दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन इसको बिल्कुल सुनने को कतई सुनने को तैयार नहीं है। तो एक ऐसा भी मामला अमेठी से सामने आया और अमेठी की जनता के कई अहम मुद्दे हैं। अगर बात वही प्रतापगढ़ की जाए तो प्रतापगढ़ में 7.01% वोट पड़ चुके हैं, अयोध्या में 9.46% वोट पड़ चुके हैं, बहराइच में 7.45% वोट पड़ चुके हैं, सुल्तानपुर में 9% वोट पड़ चुके हैं, चित्रकूट में 9.03% वोट पड़ चुके हैं। सुबह 9 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत हमने आपको बताई, कई अहम मुद्दे 2022 विधानसभा चुनाव में है। वही लगातार कहीं ईवीएम खराब होने के मुद्दे तो कहीं और ऐसी शिकायतें, और इसके बीच भी मतदान केंद्रों पर जनता खासा जोश के साथ, उत्साह के साथ, अपने मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। वही प्राइम टीवी की आपसे खास अपील, अगर आपके जिले में भी हो रहा है मतदान तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे चुनाव की और अपडेट के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।